समाज में अपनी हसरतों को पूरा करने के लिए लोग भरोसे और रिश्ते का कत्ल करने से भी बाज नहीं आते। ऐसा ही मामला एक उत्तर प्रदेश से सामने आया है, जहां पर एक सफाई कर्मी पति ने अपनी पत्नी को SDM बनाने के लिए दिन रात मेहनत की। मेहनत करने के बाद अपनी पत्नी को SDM बनाया। वहीं SDM बनते ही पत्नी ने अपने पति पर दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज करा दिया है। प्रयागराज में पति पत्नी से जुड़ा यह मामला इन दिनों सुर्खियों में। पेशे से सफाई कर्मी शख्स का कहना है कि उसकी पत्नी PCS अधिकारी बनते ही उसके साथ बेवफाई करने लगी। सफाई कर्मी का नाम आलोक मौर्य है, जो प्रतापगढ़ में पदस्थ। उसकी पत्नी ज्योति मौर्य बरेली में SDM पद पर तैनात है। आलोक के मुताबिक साल 2010 में उसकी वाराणसी के चिराई गांव की रहने वाली ज्योति से शादी हुई। ज्योति ने शादी के बाद आगे की पढ़ाई जारी रखने की हसरत बताई। उसके बाद आलोक ने अपनी छोटी सी तनख्वाह से पैसे काट कर उसकी पढ़ाई के लिए रुपए जोड़े। इसके लिए उसने अपनी छोटी छोटी खुशियों को कुर्बान किया। पत्नी की पढ़ाई में कोई कसर न रह जाए, इसलिए उसका दाखिला प्रयागराज के एक अच्छे कोचिंग सेंटर में कराया। बताया जा रहा है कि साल 2015 में दोनों को जुड़वा बेटी हुई। उसी दिन PCS परीक्षा का परिणाम भी आया और ज्योति का चयन PCS में हो गया। पूरे घर में खुशियां छा गईं। बताया जाता है कि ज्योति ने इसका श्रेय अपने पति आलोक मौर्य और ससुर को दिया था, लेकिन कुछ दिन बाद अफसर बनी पत्नी ज्योति ने अपने पति और ससुराल वालों के खिलाफ दहेज मांगने और बदनाम करने और उत्पीड़न करने का आरोप लगा दिया। आरोप लगाते हुए थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया। आलोक और ज्योति की शादीशुदा जिंदगी सही चल रही थी, लेकिन इसी बीच साल 2020 में ज्योति की मुलाकात होमगार्ड कमांडेंट से हुई। आलोक का कहना है कि ज्योति होमगार्ड कमांडेंट के करीब और उससे दूर होती चली गई। पति आलोक मौर्य का आरोप है कि उसे अपनी पत्नी पर शक हुआ तो उसने मोबाइल चेक किया। इसमें होमगार्ड कमांडेंट उसके साथ उसकी पत्नी ज्योति का ओपन चैट सामने आया। यही नहीं, उसका आरोप है कि दोनों को उसने रंगे हाथ पकड़ लिया। बताया जा रहा है कि ज्योति का प्रेमी फिलहाल गाजियाबाद में होमगार्ड कमांडेंट के पद पर तैनात है। उसने अपनी पत्नी को तलाक देने की अर्जी कोर्ट में दे रखी है। वहीं ज्योति भी आलोक से तलाक की मांग कर रही है। आलोक ने अब यह भी शिकायत की है कि बरेली में पदस्थ उसकी SDM पत्नी अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसे जान से मार सकती है। पीड़ित ने इसकी शिकायत होमगार्ड मुख्यालय में की है, उसका भी मामला दर्ज कराया है। बहरहाल आलोक के आरोप में कितनी सच्चाई है तो जांच की बात ही पता चलेगा, लेकिन चंद हसरतों के लिए रिश्ते और भरोसे आज के दौर में जिस तरह खत्म हो रहे हैं, वह समाज के लिए चिंता का विषय है।